ये भाई बताते कि 6 साल हो चुके थे इनके मैरिज को, लेकिन इनका 3 बार ये गर्भवती हुई और 3ों बार इनका गर्भपात हो गया, जिसकी वजह से ये बच्चा कंसीव नहीं कर पाए। ये भाई बताते ये बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे। जनवरी 2022 में जब ये भाई मीटिंग में आए थे, चर्च में आए थे जनवरी महीने में, ये भाई बताते उस दिन आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया चर्च में, आपने कहा कि जिनके पास भी संतान नहीं है इस समय वो खड़े हो जाएं, मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ इस वर्ष वो गवाही के साथ खड़े होंगे। ये भाई बताते हैं कि जैसे ही प्रोफेटिक वर्ड को इन्होंने सुना, विश्वास के साथ उसी समय उस प्रोफेटिक वर्ड को इन पति पत्नियों ने ग्रहण किया। ये भाई बताते हैं ठीक 28 दिन के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हो चुके थे और 5 अक्टूबर को ठीक 9 महीने के बाद परमेश्वर इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। आपकी शादी को कितने साल हो गए थे? 6 साल। और 6 सालों से कोई बच्चा नहीं था? नहीं सर। जनवरी में मैंने कहा जिसको बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो खड़ा हो जाए जी, और मैंने आप लोगों के लिए भविष्यवाणी किया जी। क्या बोला मैंने? कि जिनके पास बेबी या जिनके पास बच्चे नहीं है वो इस साल में बच्चे होने जा रहे करके। आपको ऐसा भविष्यवाणी दिया मैंने जी, ऐसा प्रोफेटिक वर्ड आपको दिया जी। आपने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया जी, और उस भविष्यवाणी के 28 दिन के बाद प्रेग्नेंट हो गए। 5 अक्टूबर को ये बेबी हुआ जी। 5 अक्टूबर को क्या हाँ। कारण था जो 6 सालों से बेबी नहीं हो रहा था या बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे? बेबी हो जरूर रहा था लेकिन उसके मेरे डॉक्टर बोल रहे थे धड़कन नहीं है करके, मतलब तीन बार गर्भपात हो गया था जी सर। 3 बार बच्चा जो था मर गया था जी। ओके, इस बार भविष्यवाणी के 28 दिन के बाद में फिर बेबी कंसीव किए जी, और 5 अक्टूबर को बेबी हुआ जी। क्या है, लड़की है लड़का है? लड़की। तारीफ करेंगे हम।